अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML 5 एंड CSS 3 में लेसन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेसन में हमने अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था और उसके बाद हमने जो है तो ऑर्डर के ऊपर डिस्कस किया और हमने सिर्फ उसमें थ्योरेटिकली काम किए और आपको समझाया कि ऑर्डर लिस्ट होती क्या है। आज के सेशन में हम उस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो रोमन लैंग्वेज में हो, चाहे ABC हो, 1, 2, 3 हो। तो इनमें से कोई भी आपने स्टाइल यूज़ करना है और उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। आज के लेसन में हमने ऑर्डर लिस्ट के ऊपर डिस्कस करना है और यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट में आप कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं अपने लेसन की तरफ चलता हूँ। लेसन के लिए वेब पेज का जो फोल्डर है, इसमें मैंने लिस्ट के नाम से एक फोल्डर, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इस लिस्ट पे मैं इसको देता हूँ जी। पहले वाले पे हमने अनऑर्डर पे काम किया था, आज हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो अब इसको हेडिंग देता हूँ, टाइटल्स को मैंने ऑर्डर लिस्ट दे दिया। ब्राउजर में ले जाके इसको ओपन करता हूँ। ओके, ऑर्डर लिस्ट हमारे पास तैयार हो गया। अब इस पे काम क्या क्या करना है वो हम काम करेंगे। तो उसके लिए हमने बॉडी के ऊपर काम करना है और बॉडी में सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा H1 और इस हेडिंग के टैग को क्लोज करता हूँ H1 के नाम से और इसमें हेडिंग दूंगा मैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का भी तरीकाकार वही है अनऑर्डर की तरह है, लेकिन इसका जो टैग यूज होता है अनऑर्डर में UL होता है, इसमें लिए OL होगा ऑर्डर लिस्ट के लिए, और OL को हम बैक साइड से ऑफ करेंगे। इसके अंदर भी हमने लिस्ट बनाया, तो लिस्ट के लिए हम LI लिस्ट के लिए यूज किया जाता है टैग, और LI को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसके अंदर भी हमने वही लिखना है ऑफिस, कॉपी करेंगे इसको, सॉरी, और ऑफिस के बाद मैं यहां पे इसको लिखता हूँ जावा फॉर एग्जांपल, PHP, MySQL, HTML। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और सेव करने से पहले ओ एल मैंने यहाँ पे खत्म कर लिया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ उसको। रिफ्रेश करके देखें, ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई है। ओके, तो यहाँ पे देखें एक और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 10 का ये आया हुआ है। तो ये आपका सिर्फ यहाँ पे हमने क्योंकि एक बार और एंटर किया था, इस वजह से इसको आप बैकस्पेस करके ऊपर ले जाएं, कंट्रोल एस करके सेव करें। अच्छा, यहाँ पे देखें 1, 2, ओके, क्योंकि उसका सब आइटम बन रहे हैं यहाँ पे। क्यों बन रहे वो मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको बैक स्पेस करना है यहाँ से, तो आगे नहीं लेके जाना, ये सब हेडिंग इसकी बन रही है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करें। यस, यहाँ बैक स्लैश नहीं डाला बस को, तो एक छोटी सी गलती की वजह से देखिए हमारे पास क्या हो गया। तो ये गलती आप नहीं करना।
ओके आप सही हो गए। तो देखें अब छोटी सी गलती थी कि मैंने उसको जो है तो लास्ट टैग को मैंने बैक स्लैश से ऑफ नहीं किया, तो देखें उसकी वजह से हमारे पास ये काम नहीं कर रहा। तो आपने ये चीज़ें इसको देखनी है, गौर करने, और ऐसी कोई कोई भी एरर नहीं होना चाहिए आपके प्रोग्राम में। ओके तो ये हमारे पास जी यहाँ पे ये जो है तुम्हारे पास सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट है। अब इसी ऑर्डर लिस्ट में हम कुछ एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां से कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया और यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके तो पहले वाले में मैंने ऑर्डर लिस्ट ही है, अब मैं इसी ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट यूज करूंगा। तो एट्रीब्यूट में आप देखें डिफॉल्ट मेरे पास नंबरिंग आ रही है, देखें यहाँ पे तो नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6, देखें नंबरिंग आ रही है। मैं नंबरिंग नहीं देना चाह रहा इसको, तो मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे इसको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग ही देना चाहते हो, नंबरिंग के लिए आप वन, इसमें आपने जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो वो एट्रीब्यूट आपने इसलिए यूज करना है इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर, आपने यहाँ पे यूज करना है जी ऑर्डर लिस्ट टाइप, यहाँ पे देखिए टाइप, ये इजी है टाइप, इसकी टाइप आप वन कर दें, कंट्रोल एस करके सेव करें, रिफ्रेश करके देखें तो ये हमारे पास वन नहीं है, देखें सारे वन आ गए। नीचे जो आप ये वाली है हमारे पास, इसकी आपने देना है ऑर्डर टाइप, यहाँ पे आप इसको दीजिए टाइप वन, वन और ये डिफॉल्ट होती है क्योंकि विच इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टाइप ही होती है इसकी। ओके नेक्स्ट में जाता हूँ, तो नेक्स्ट में मैं इसको यहाँ पे दूंगा, इसको टाइप पे देता हूँ ए फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि ये ए बी सी में आए, तो मैं इसको देता हूँ टाइप कैपिटल ए। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने जो एट्रीब्यूट यूज करना है, तो उसमें आपने देना है इसको टाइप इक्वल टू, क्यूट्स के अंदर आप कैपिटल ए लिखते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करें और रिफ्रेश करके देखें जरा इसको, ये वन जो हमारे पास डिफॉल्ट टाइप होती है, टाइप ए जो है उसमें देखें ए बी सी डी और ई, यहाँ पे देखें इसकी टाइप हमारे पास क्या आ गई, ये टाइप आ गई। अब इसी तरह इसमें और भी आप काम कर सकते हैं, क्या वो क्या काम है जी, आप इसको कॉपी करता हूँ मैं, ऊपर तक कॉपी करें ताकि हेडिंग भी बार दोबारा नहीं लिखनी पड़े, क्योंकि जब दोबारा बार बार हम लिखेंगे तो उससे हमारे पास हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप बार बार कोशिश करें, साथ साथ बार बार आप लिखें क्योंकि आपको ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से ही बैठ जाए। अब नेक्स्ट में टाइप में स्मॉल ए लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ स्मॉल ए में हमारे पास आ जाए, तो यहाँ पे भी आपने टाइप स्मॉल ए लिखें, कंट्रोल एस करके सेव करें एंड रिफ्रेश करके देखें ज़रा टाइप ए, और देखिए स्मॉल ए में हमारे पास आ गया। आप इसी तरह आप और भी इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, रोमन लैंग्वेज जैसे कि रोमन लैंग्वेज में आप दें तो आप रोमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, फिर मैं एक बार फिर पेस्ट करूंगा क्योंकि दो टाइप्स और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें हमने टाइप देनी है जी रोमन लैंग्वेज में आई, आई वाली टाइप देता हूँ और मैं इसको कैपिटल आई वाली टाइप देता हूँ आई, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ और नीचे जाकर मैं देखता हूँ ज़रा, देखें अब रोमन लैंग्वेज में आ गया आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी वी। अब इसी तरह आप इसको टाइप देते हैं जी, फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे अब टाइप जो है ये स्मॉल आई में आ जाए, तो आप स्मॉल आई दें और यहाँ पे इसकी टाइप भी आप स्मॉल दें, सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करें आई डबल आई ट्रिप आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी वी, तो इसकी टाइप्स आ गई देखिए। तो ये हैं जी नंबरिंग और उसकी टाइप्स हैं, उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं।
तो याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें ये देनी ज़रूरी है, ये सिर्फ मैं हेडिंग दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें फ़र्क कौन क्या क्या फ़र्क है। और जब मैं आपको ये लेसन दूंगा तो आपने इसके इजीली आप सीख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या था। तो ये कंप्लीट डिटेल में आपको वर्क इसके प्रोजेक्ट और वर्किंग फाइल यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसमें इससे हमने क्या है कि इसकी जो डिफॉल्ट टाइप होती है, हमने ऑर्डर लिस्ट किया, ऑर्डर लिस्ट में हम बेसिकली नंबरिंग अप्लाई करते हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर, अपनी लिस्ट के ऊपर आप नंबरिंग अप्लाई करते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर हम बुलेट्स अप्लाई करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है तो स्टार्टिंग टैग और एंड टैग OL, इसके अंदर भी हमने लिस्ट का टैग यूज़ करना है, तो हर एक लिस्ट के लिए, हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग से हमने लिस्ट का टैग यूज़ करना है। इसमें जो टाइप्स होती हैं टैग्स की, वो आप अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक और रोमन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप का जो एट्रीब्यूट होता है वो ओवर, मतलब ऑर्डर लिस्ट जो होती है इसका एट्रीब्यूट आप देते हैं जी टाइप, इसमें टाइप्स होती हैं, टाइप वन करेंगे तो वन में आ जाएगा, टाइप ए करते हैं तो ABC जो कि अपर केस में होती है उस पर आ जाएगा, स्मॉल केस में आप ए लिखेंगे तो स्मॉल कैप्स में आ जाएगा, रोमन लैंग्वेज कैपिटल में आप फिर अपर केस में अगर आप आई लिखते हैं तो रोमन लैंग्वेज में आ जाएगा, और अगर स्मॉल कैप्स में आप आई लिखते हैं तो ये रोमन लैंग्वेज स्मॉल कैप्स में आ जाएगा। तो ये जो है ये इसके आपके ऑर्डर लिस्ट के कुछ टाइप्स है और कुछ और चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ भी हुई इनमें तो मैं आपको वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ऐसे ये टैग हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले हमने फॉर्मेटिंग की थी कंप्लीट, आप अपने टेक्स्ट को अटैलिक कैसे करते हो, बोल्ड कैसे करते हो, अंडरलाइन कैसे करते हो, बॉडी कलर कैसे चेंज करते हो, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हो, तो ये कंप्लीट हमने तकरीबन इसके ऊपर डिटेल्स हमने देखे। और आज हमने नंबर, हमने ऑर्डर में बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर भी काम कर लिया, बुलेट्स कैसे अप्लाई करते हैं, नंबर कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक आप बार बार कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।